अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सना की किचन में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू सनास किचन 818। आज की हमारी रेसिपी है वेज फ्राइड राइस। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे वेज फ्राइड राइस की रेसिपी पनीर के साथ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो सनास किचन 818 चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें हम स्मॉल बाउल ऑयल ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज्ड स्मॉल प्याज चॉप्ड किया हुआ और इसमें 2 ग्रीन चिलीज और चॉप की हुई कैप्सिकम भी इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें फ्रोजन फिर कैरेट को हमने छोटा साइज़ और लंबाई से कट करके ऐड करेंगे और 1 हैंडफुल ऑफ कैबेज को हम यहाँ पे बारीक कट करके ऐड करेंगे। इसके साथ साथ इसमें स्प्रिंग ऑनियन और कैशू नट्स ऐड करते हुए इसको हम ऑयल में इन सब वेजिस को अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम सभी वेजिस को 3 से 4 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसके बाद हम इसमें पनीर को अलग से फ्राई करके इस वेजिस में ऐड करेंगे। फिर इसमें हम यहाँ पे थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून रेड सोया सॉस, टू टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और बॉयल राइस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और फिर इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से सब वेजिस के साथ मिक्स कर लेंगे। राइस को यहाँ पे सब मसालों के साथ और वेजिस के साथ मिक्स कर लेने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पे वेज फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो सनास किचन 818 चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।